बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें। और प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मज़ेदार सी काले चनों की स्पाइसी चना चाट। एक डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। तो आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं स्पाइसी मज़ेदार सी चना चाट। जी तो व्यूवर्स, काले चने की मज़ेदार सी चना चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, मैंने एक पाव काले चने लिए हैं, ओवरनाइट इनको भिगो दिया है, फिर इनको मैंने नमक डाल के गला लिया है और ये देखें ये इतने अच्छे से गल चुके हैं। और इसके अलावा मैंने दो आलू लिए हैं, उनको बॉयल कर लिया है, टमाटर हैं दो उनको चॉप कर लिया है, अनियन है उसको चॉप कर लिया है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इमली है उसका मैंने पल्प बना लिया है। और इसके अलावा जो स्पाइस हैं उसमें मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच चाट मसाला, सॉल्ट एक चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ली है, ये इसके स्पाइस हैं। और जो इसको मैं तड़का लगाऊंगी उसके लिए ज़ीरा लिया है मैंने एक चम्मच, और अजवाइन है हाफ टी स्पून ली है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये चना चाट बनती है, आप ज़रूर इफ्तार में ट्राई कीजिएगा। तो आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं चना चाट। अब एक पैन लेते हैं और हम फ्लेम मीडियम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें हम तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे बनते हैं, वरना वेजिटेबल ऑयल, जो ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले जो हमने सफ़ेद ज़ीरा एक चम्मच और आधा चम्मच अजवाइन ली थी उसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इसको एक मिनट थोड़ा सा करेंगे कि हल्की सी जीरे में खुशबू आए, फिर हम इसमें अनियन जो हमने चॉप करके रखा है वो ऐड करेंगे। ये हो चुका है, अब इसमें हम अनियन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको बस थोड़ा सा चॉप करना है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। और ये बहुत मज़ेदार सी चना चाट हमारी बनती है, आप ज़रूर इफ्तार में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। बस इसको एक मिनट ही करना है, फिर हम इसमें टमाटर हरी मिर्च वगैरह ऐड करते हैं। अब हम इसमें जो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, और इसके साथ ही हम इसमें टोमेटो ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इनको, बस इसको एक मिनट बनाएंगे। और साथ ही हम इसमें हरी मिर्च जो हमने काट के रखी है वो भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम चाट मसाले और सूखा धनिया जो है उसको छोड़ के नमक, हल्दी और लाल मिर्च जो पाउडर है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हल्दी जो है वो ऐड करते हैं, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, ये हम इसमें स्पाइस ऐड कर देते हैं। जो सूखा धनिया और चाट मसाला है वो हम बाद में ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको एक मिनट के लिए कवर करती हूँ, जो मसालों का कच्चापन है वो खत्म हो जाए, भुन जाए जरा मसाला, फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें जो हमने चने बॉईल करके रखे हैं वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे मसाले में।
इसमें जो हमने आलू बॉईल करके रखा है वो भी ऐड करते हैं। झटपट बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी बनती है और एक थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है जो बहुत अच्छी लगती है। बस इसको एक मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है और ये भून चुकी है, बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब इसमें जो हमने चाट मसाला और सूखा धनिया दो चीज़ें हमने छोड़ी थी वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी मिक्स कर देते हैं। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी हमारी चना चाट तैयार हो रही है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और साथ ही हम इसमें जो हमने हरा धनिया काट के रखा है थोड़ा सा वो भी ऐड करते हैं। थोड़ा सा बाद में गार्निश करेंगे, थोड़ा सा अभी ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। देखिए कितनी कलरफुल सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चना चाट जो है वो तैयार हो रही है। और इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और बहुत ही टेस्टी भी है और रूटीन से हट के रेसिपी है। ये बस हमारी चना चाट तैयार हो चुकी है। देखें बिल्कुल मसाला, ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुका है और बिल्कुल रली मिली सी है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और जो इमली का पल्प मैंने रखा था वो हम फ्लेम को ऑफ करके फिर इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब इसमें 2 टेबलस्पून इमली का पल्प मैं ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह, आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं बट मुझे इमली का पल्प अच्छा लगता है तो मैं इसमें इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे ताकि तमाम चाट में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और अब हम इसको सर्व करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने बॉल में निकाल ली है चना चाट। देख व्यूअर्स, हमने बॉल में निकाल ली है मज़ेदार सी काले चनों की चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है। देखें कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार लग रही है, लुक भी बहुत अच्छी है और स्पाइसी और मज़ेदार बहुत टेस्टी बनती है। आप अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।